और खुशहाली से प्रसन्न होगा क्या? क्या पाकिस्तान भारत का हितेशी है क्या? तो फिर पाकिस्तान का मंत्री जो ये गुल खिला रहा है नए तरीके से, ये क्यों करा रहा है? क्योंकि उसे मालूम है जब केजरीवाल होंगे तो ही साइनवाद होगा। श्रीमान केजरीवाल जी को दिल्ली के अंदर जनता के लिए पानी की चिंता नहीं, सड़क की चिंता नहीं, लटकते हुए झूलते हुए तारों की चिंता नहीं, अच्छी पाठशाला की चिंता नहीं, अच्छे स्वास्थ्य केंद्रों की चिंता नहीं, शुद्ध पेयजल की चिंता नहीं। उन्हें चिंता है कश्मीर की धारा 370 की, उन्हें चिंता है शाहीन बाग के धरने में बैठे हुए लोगों को बिरयानी खिलाने की। और भाइयों बहनों, यही कहने के लिए आया हूं, मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से कि 5 वर्ष में आपने यमुना जी की शुद्धि के लिए क्या किया? भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में गंगा जी 1025 किलोमीटर का दायरा तय करती है, यह सच है। उत्तर प्रदेश में मार्च 17 में हमारी सरकार आई, उससे पहले गंगा जी का जल स्नान करने लायक नहीं था, आचमन की बात तो दूर। प्रधानमंत्री मोदी जी के सहयोग से नमामि गंगे मिशन का भरपूर उपयोग हम लोगों ने किया और पिछले वर्ष प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हुआ, भव्य कुंभ का आयोजन हुआ। पूरे देश और दुनिया ने कुंभ के आयोजन की सराहना की। 25 करोड़ श्रद्धालु कुंभ के आयोजन में आए। मैं स्वयं 2 बार गंगा में स्नान करने के लिए गया। आज प्रयागराज में भी और कानपुर में भी गंगा में स्नान भी कर सकते हैं, गंगा जल का आचमन भी कर सकते हैं। मैं अभी बसंत पंचमी को गया था और भाइयों बहनों, मैं गंगा में आचमन भी किया, स्नान भी किया। मैं केजरीवाल जी से कहूंगा, आप भी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, आप भी यमुना जी में स्नान करिए, थोड़ा आचमन भी कर लीजिए, एक खांसी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आखिर दिल्ली के लोगों को अपने आप को बोतल बंद पानी पिएंगे घर के अंदर चुपचाप, अब देखते होंगे ना, जब लेफ्ट गवर्नर क्या धरने में बैठे थे, रेल भवन के सामने धरने पर जब बैठे थे तो चुपचाप बोतल का पानी पीते थे और दिल्ली वासियों को यमुना का जहरीला पानी पिला पिला करके बीमार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट को सख्त टिप्पणी करनी पड़ी थी। भाइयों बहनों, इन लोगों की मनसा साफ नहीं है, देश के लिए भी नहीं, दिल्ली के लिए भी, और इसीलिए आप सबसे अपील करने के लिए, ये राष्ट्रीय राजधानी है, बहुत पीड़ा होती है यहाँ की सड़कों को देख करके, यहाँ की दुर्व्यवस्था को देख करके। वो चाहते नहीं, कह रहे डीडीसी में फ्री करते हैं, जब बस ही नहीं रहेगी तो फ्री करेगा कहां से? कह रहे पानी फ्री में पिलाएंगे, अरे जब पानी नहीं रहेगा तो पिलाएंगे फ्री कहां से? दिल्ली के अंदर टैंकर से पानी जाए, इससे ज्यादा शर्मिंदगी वाली स्थिति कहां हो सकती है? एक प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने कहा हर घर नल पहुंचाएंगे, 1731 कॉलोनियों को उन्होंने अनऑथराइज कॉलोनियों को ऑथराइज करके उन्होंने कहा हम आवास देंगे, हम सारी सुविधाएं देंगे, लेकिन लीगल वे से देंगे। और लीगल वे के तहत इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी भाइयों बहनों आपके पास आई है, इतनी भारी संख्या में आप उपस्थित हुए हैं। गलती का परिमार्जन करने का एक अवसर, ये गलती अपने लिए आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं होने देंगे। और केजरीवाल के नाम पर जिस प्रकार का, यानी इतना गैर जिम्मेदार, गैर भरोसेमंद व्यक्ति, अभी कुछ बोलेगा बाद में कहेगा कि ये मैंने नहीं कहा, एक दिन आरोप लगाएगा, अगले दिन कोर्ट में जाके माफी मांगेगा, एक दिन आरोप लगा के कहेगा कि मेरे पास सबूत हैं, और जब बोला जाता सबूत दिखाओ, कहते हैं तो राजनीति में चलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों,
इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, मेहरोली और देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इस विकास के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार समान होकर सब साथ बढ़े, एक विश्वास और एक विचारधारा के साथ आगे बढ़े। इसके लिए विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी आप सबके बीच में आई है आप सबसे अपील करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बना करके दिखाइए और फिर मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के दिल्ली को दिल्ली का गौरव दिलाने का कार्य करेंगे। और इसी के लिए श्रीमती किरण कुसुम खत्री जी को कमल चुनाव चिन्ह पर विजयी बनाने की अपील करने के लिए आज मैं विशेष रूप से आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। इतनी भारी संख्या आपकी है, आप में से हर मतदाता 10-10 नए मतदाताओं को जोड़ने का संकल्प ले ले, तो भाइयों बहनों कुसुम जी के सामने जितने भी प्रत्याशी हैं इन सबकी होगी जमानत जब्त। भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजयी बनेगी और भारतीय जनता पार्टी के इस विजयी अभियान का हम सब हिस्सा बने, इस दृश्य आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। क्या आप सहमत हैं? आप सभी जो मैंने कहा आप इस दूसरे सहमत हैं? विकास चाहते हैं, सुशासन चाहते हैं, राष्ट्रवाद चाहते हैं? दोनों हाथ ला करके बोलिए, जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों सभी सहमत हैं? सभी मेरी बातों से सहमत हैं? दोनों हाथ ला करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जय, जय जय श्री राम। तो पर कहा कि केजरीवाल अपनी बातों से पलट जाते हैं, दिल्ली में जब पानी ही नहीं रहेगा तो फिर भी पानी आप कैसे पिलाएंगे, बहुत ही गैर जिम्मेदार हैं केजरीवाल। ये तमाम बातें अब से कुछ ही देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ को आप कहते हुए सुन रहे थे, पाकिस्तान के मंत्री केजरीवाल के समर्थन में इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। आपको बता दें कि दुनिया भर में कुंभ का डंका बजा, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। ये तमाम बातें सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई, कानपुर में गंगा निर्मल हुई है।